ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया की टीम आपको अभी ले जाएगी चूड़धार। ये चूड़धार की पीक जो है ये 12,000 फुट की ऊंचाई के ऊपर है। नौदा धार से रास्ता जाएगा, चंडीगढ़ से आप राजगढ़ जाएंगे, राजगढ़ से नौदा धार जाएंगे, वहाँ पे आप नाइट स्टे कर लीजिए। वहाँ से चूड़धार जो है वो तकरीबन 21 किलोमीटर की ट्रैक है, मॉडल ट्रैक है, लेकिन लंबी ट्रैक है, टाइम बहुत लगता है। इसको चूड़धार क्यों कहते हैं? एक्चुअली इसका चूड़ीधार नाम है, क्योंकि ये हाई पीक जो है 12,000 फुट की लोअर हिमाचल में आउटसाइड माउंटेन रेंज, ये हमारे रेंज से बाहर है, उस श्रृंखला से ये बाहर है। और यहाँ पे सारा साल ऊपर बर्फ का एक रिंग सा बना रहता है, इसलिए जो जॉर्ज एवरेस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इसकी ट्रैकिंग की थी और इसका जियोलॉजिकल सर्वे किया था, उन्होंने इसको चूड़ीधार का नाम दिया था, रिंग ऑफ बैंगल्स, इसलिए इसको चूड़ीधार कहते हैं, लेकिन लोकल भाषा में इसको चूड़धार कहते हैं। वहाँ पे जैसे कि सभी पहाड़ों के ऊपर एक मंदिर होता है, यहाँ पे शिव भगवान का टेम्पल है, और ये जगह इतनी रमणीक है कि पूर्णमासी के दिन अगर आप वहाँ जाके ऊपर देखेंगे तो ऐसे लगेगा चांद जैसे आपके सर के ऊपर है, और पूरा इलाका जो है वहाँ से रात को लिट हो जाता है, तो एक बहुत ही नज़ारेदार जो दृश्य है देखने को मिलता था। यहाँ जो रॉबर्ट जिसने माई 41 ईयर इन इंडिया लिखी थी किताब, उसने भी इस पीक की ट्रैकिंग का जिक्र किया है, सम टाइम इन 1864 विद फैमिली वो ट्रैक करके शिमला से गए थे। अब तो चलिए राजगढ़ तक मेटल्ड रोड बन चुकी है, यहाँ से जाने के लिए आप चंडीगढ़ से पहले राजगढ़ होते हुए नौदा धार जाएंगे, ये तकरीबन आपको 4 घंटे लग जाएंगे रोड जर्नी के, नौदा धार आप जा चुकी है और आगे आपको पूरा दिन लग जाएगा, तो इसलिए अच्छा हो कि आप अर्ली मॉर्निंग चलें, क्योंकि 21 किलोमीटर का ये रास्ता है, ये मॉडरेट रास्ता है, जंगल का रास्ता है, और यहाँ पे 56 वर्ग किलोमीटर का जो है वो ये जंगल का एरिया है, बहुत अच्छे अच्छे फॉरेस्ट हैं रास्ते में, और मीडोज हैं, गुज्जर की ज़मीनें हैं, चरांदे हैं, और आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कब चले जाओगे। यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, रास्ते में खाने पीने का कोई साधन ज़्यादा है नहीं है, इसलिए बेटर है कि आप अपना पानी लेके जाएं और खाने पीने का कुछ सामान लेके जाएं, ताकि रास्ते में जब भी आप अग्रसर होएं कुछ ना कुछ आपको खाने को मिल जाए। जो लास्ट 3-4 किलोमीटर चढ़ाई है, जैसे कि सब जगह होता ही है ट्रैकिंग में, वो बड़ी कठिन है, तो आप वो करते कराते 21 किलोमीटर चलते हुए शाम तक ये जो है चूड़ीधार चले जाएंगे। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, रहने की जगह वहाँ पर कोई ख़ास अच्छी नहीं है, और मई के महीने में हम जाएंगे जब थोड़ी नीचे गर्मी होती है, तो वहाँ जाके आप कहीं भी सो सकते हैं, मंदिर के सराय में अगर थोड़ी बहुत जगह मिल जाए पैर रखने की तो वो भी ठीक है। तो उसके बाद वहाँ पानी नहीं है, खाने पीने का साधन नहीं है, इसलिए आपको ये सब कुछ सोच के पहले से चलना पड़ेगा, और रात को वहाँ पे स्टे करिए, एक टेम्पल है, और अगले दिन जो है थोड़ा सा एक और पीक है उसके ऊपर, ये जो अभी पिक्चर्स में आप देख रहे हैं ये शिव भगवान का टेम्पल है, और यहाँ सभी लोग जाते हैं, और वहाँ जाके आप पूजा वगैरह करनी है अगर करके तो वापसी कर सकते हैं। वापसी के लिए भी आप बेटर है कि ये 10 बजे तक चल पड़े, क्योंकि रास्ता लंबा है और